देखिए हमने यहाँ पे विंग वाल का लेआउट कर दिया है। ये सामने देखिए वो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर शेप में रिटर्न वाल है, और ये हमारा विंग वाल हो गया, और ये हमारा बॉक्स कलवर्ट हो गया सामने। ठीक है, यहाँ पे ये देख रही इस साइड में हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से लीजिए 650 और वहाँ से लीजिए 1640। हाँ, यहाँ 650 वहाँ से 1640, कहीं भी जाए आप पकड़िए। हम इसका राइट एंगल निकाल रहे हैं, राइट एंगल से विंग वाल का यहाँ पे रिटर्न वाल जो होता है ये ब्रिज के प्रॉपर राइट एंगल पे होता है, तो हम यहाँ से राइट एंगल निकाल रहे हैं। ये हमारा राइट एंगल मिल गया, दो टेप से हमने राइट एंगल मिला दिया है 1640 और 650 करके। वहाँ एक पॉइंट बनाइए, इस वाले पॉइंट पे टिप लगाइए राइट वाले, और सीधा लाइन डोरी करके वहाँ पे आप 1700 पे एक पॉइंट बना लीजिए, तो हमारा रिटर्न वाल का 1700 वाला फेस हमको मिल जाएगा। ओके, 1.7 पे एक पॉइंट बनाइए, ये सेंटर वाला पॉइंट से 1260 और वहाँ से 700 देखिए। बस 1260 700 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया 1260 और 700। ठीक है, और यहाँ से 2.4 लीजिए, वहाँ से 2.5 ले लीजिए, यहाँ से 2.4 और वहाँ से 2.5, यहाँ से 2.4। हाँ, 2400 और 2500 जो आपने लिया अभी, इस वाले टेप बड़ा वाला टेप में देखिए 2500 और ये वाला पे देखिए 2400। राइट एंगल मिलाने का एक अच्छा तरीका है, दो टेप रखे इजीली हो जाता है। हाँ, जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो हम ऑलरेडी सेम तरीके से लेआउट कर चुके थे, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे लेआउट करते हैं। ठीक है, अब उसको चूना मार दीजिए इस तरह से, चूना मारते हैं आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। वाहन पकड़ तो ये गड़ा में वाहन ठीक है, पकड़ ले चूना निकाल ले, चलो करो मारो सर में। ये चूना हम लोग मार दे रहे हैं जो कि ये आपका रिटर्न वाल हो जाएगा। ये रिटर्न वाल का हमारा हो गया, और ये सामने हमारा ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा विंग वाल हो जाएगा। सामने हमारा एक तरफ का हमने वाल को फिक्स कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा लेआउट हो गया, इसमें हम लोग पीसीसी करेंगे। ठीक है, और इसका की बीच में हम लोग खोदेंगे कल, क्योंकि दोनों साइड में हम लोग पीसीसी डाल देंगे तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ आएगा, बहुत नीचे पानी आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।